हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिकल चल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास आप देख सकते हैं ये मिस्टुबिशी का स्प्लिट एसी है जो कि नॉन इन्वर्टर है और 2 टन का एसी है। तो दोस्तों, आज इसकी हम करने वाले हैं सर्विस, वाटर क्लीनिंग करेंगे फुल। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। जो हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके देख लेते हैं एम्पेयर क्या है। मैंने एम्पेयर मीटर लगा रखा है तो कंप्रेशर हमारा ऑन हो चुका है। और ये दोस्तों बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ये नॉन इन्वर्टर एसी है। तो चलिए इसके एम्पेयर देख लेते हैं कितने हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसके एम्पेयर देखेंगे कितने चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये 2 टन का एसी है इनडोर भी। अगर मैं आपको इसका स्टीकर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये इसका स्टीकर है। तो दोस्तों देखिए, एम्पेयर हमारे 9 के करीब चले गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता है कि अगर 2 टन का एसी कोई भी हो, मिस्टुबिशी हो या अदर कोई भी एसी होगा, तो वो 2 9 एम्पेयर प्लस ही चलेंगे, या तो 9 एम्पेयर चलेंगे या 10 चलेंगे। तो हाईएस्ट एम्पेयर जाते हैं 1.5 टन से ज़्यादा। तो अगर मैं आपको इसका मॉडल दिखाऊं, ये हमारा मिस्टुबिशी का इलेक्ट्रिक मॉडल है MR Slim, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसकी क्लीनिंग का प्रोसीजर देखेंगे कि हम इसे क्लीन कैसे करते हैं और इसको पूरा खोलने का प्रोसीजर वो भी। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी हम इसे ऑफ करने वाले हैं, रिमोट से इसे ऑफ कर दो। तो दोस्तों रिमोट से हमारा सिंपली एसी ऑफ हो चुका है। अभी इसकी मेन लाइट काट देंगे। तो बिल्कुल ये इसे हमारा ऑफ हो चुका है दोस्तों। तो अभी इसे हम खोलने का जो तरीका हमारा रहेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें ये वाला, इसको ऊपर वाला कवर खोलना आता है, जिसके अंदर की हमारे एयर फिल्टर होते हैं। इन एयर फिल्टर को हम निकाल देते हैं क्योंकि अभी इन्हें हमें क्लीन करना है। उसके बाद हम स्विंग निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्विंग में लॉक लगे होते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे ये लॉक लगे होते हैं, इन लॉक को हमें खोलना पड़ेगा। तो इन लॉक को खोल लेते हैं हम। नॉर्मल एसी में दोस्तों लॉक नहीं होते, लेकिन सिंपली तरीके से पट्टी को फंसा दिया जाता है। देखिए दोस्तों सिंपली कैसे हमारा लॉक के साथ ओपन हो गया। अगर हमारा नॉर्मल कोई एसी होता तो उसका खोलना स्विंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथली रिमूव हो चुकी है। अभी हमारी बारी आती है स्क्रू खोलने की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे स्क्रू लगे हुए नीचे, ये हमारे लॉक होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ये लॉक हमें निकालने पड़ेंगे। तो 3 यहाँ पे लॉक है हमारे, तीनों निकालेंगे। और ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है जिससे हम फास्टली स्क्रू खोलते हैं। आप सभी को पता है, अगर आप फास्टली काम करना चाहते हैं तो ये स्क्रू ड्राइवर खरीद सकते हैं। सिंपली हमारा कवर ये रिमूव हो चुका है। तो रख दीजिए इसे नीचे। तो दोस्तों सिंपली हम इस साइड को कवर करेंगे पॉलीथीन लगा करके, ठीक है। पीसीबी को हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो और इसे एसी को यहीं पे क्लीन कर देंगे, ठीक है, कवर करके अच्छे से। तो कवर करते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों सिंपली हमने पीसीबी को कवर कर दिया है ऐसे। आप ऐसे कवर कर सकते हैं, अदरवाइज पीसीबी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कवर किया और इस पर हम अभी कवर लगाने वाले हैं, फिर इसकी सर्विस करेंगे।
ये हमारा वो कवर है जो कि हमारे इंडोर का है, उसे क्लीनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आउटडोर मिट्सुबिशी का 2 टन का, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा आउटडोर है। तो इसकी भी हम सर्विस करने वाले हैं।